हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा अब मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज 3.1, जिसका बेटा पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 times फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इजेंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बेटा यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो है आफ्ताब और दूसरी है उसकी डॉटर। तो बेटा मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। मान लिया मैंने आफ्ताब की एज बेटा क्या होगी, प्रेजेंट एज, एज नहीं, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। तो बेटा अब देखो उन्होंने क्या बोला, 7 years एगो। बेटा 2 केस होते हैं, एक होता है एगो या फिर बिफोर, ये दोनों सेम केस हैं। ठीक है, और एक होता है बेटा आफ्टर या फिर बेटा लेटर। ठीक है, दोनों ही केस में देखो एगो मतलब पहले का मतलब, मान लीजिए अभी आपकी एज है 10 years, तो 5 years पहले कितनी रही होगी भाई, 5 years माइनस कर दो। तो बेटा एगो हो या बिफोर हो, हम बेटा एज को माइनस करते हैं। ठीक है, और आफ्टर के केस में मान लीजिए अभी आपकी 10 है तो 5 years के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15। कैसे पता चला, ऐड कर दो। तो बेटा जब भी कभी आफ्टर बोले या लेटर बोले आप क्या करोगे, एज को ऐड करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए तो बेटा उन्होंने 7 years एगो बोला है, तो बेटा आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज कितनी रही होगी भाई, अभी है x, 7 years पहले 7 माइनस कर दो। ठीक है भाई, ठीक है, और डॉटर्स एज अभी कितनी है उसकी, y है, 7 माइनस कर दो इसमें से भी। ठीक है, अब देखो इधर वो क्या कह रहे हैं, 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो ये तो हो गई बेटा पहली इक्वेशन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक है, अब इसको उधर लेकर जाते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 47y माइनस 49 प्लस 7, क्योंकि ये माइनस में था उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। तो ये तो रही बेटा आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, आ जाइए दूसरी इक्वेशन पे। अब वो क्या कह रहे हैं बेटा, 3 years लेटर, 3 years लेटर, years लेटर। ठीक है, तो 3 years लेटर बेटा क्या हो जाएगा, उसकी एज में 3 years ऐड कर दो। तो आफ्ताब, आफ्ताब्स एज कितनी होगी भाई, x प्लस 3। ठीक है, अभी तो पता है लेटर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं किसकी, डॉटर की। तो भाई डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी बेटा y प्लस 3। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 years लेटर आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है भाई, ये आ गई। अब बेटा इनको सॉल्व कर लो, तो भाई क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। अब ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3y, इसको माइनस करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। ठीक है, 3y प्लस 6, ये रही बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब देखो इधर, अब इनके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भाई क्या करोगे आप, आप करोगे टेकिंग, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। भाई पहली इक्वेशन आपने ले ली, और पहली इक्वेशन क्या है भाई, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ठीक है, अब बेटा मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, क्या पुट करूं मैं, देखो वैसे तो जो आपके मन में है, जो भी चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देखो यहां पर वैसे एज तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है ना, जब एज नेगेटिव नहीं हो सकती है। हालांकि जब आप ग्राफिकली पुट कर रहे हो या निकालना चाह रहे हो तो आप पुट कर सकते हो,
बट एज नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब वैसे तो मैं देखो यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया या चलो 0 पुट किया, तो x की वैल्यू आएगी -42। अब बेटा ग्राफ क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करूँगा जिससे वैल्यू आसपास रहे। जैसे कि मैं बेटा y की वैल्यू पुट कर दूँ, कितना ही 7 पुट कर दूँ। बेटा 7 जब आप पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू y की वैल्यू बेटा कितनी 7 -42, तो 7 से बेटा कितना होता है 49 -42, तो बेटा x की वैल्यू भी कितनी आ गई 7, ठीक है। अब बेटा मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू कितना 6 पुट कर देता हूँ, ठीक है। जब आप 6 पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 7y -42, बेटा y की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ मैं 6, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 42। 6 7 का कितना होता है 42 -42, मतलब कि x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 0, ठीक है। तो चलो बेटा मैं इस बॉक्स के लिए, इसके लिए मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा जब मैंने y की वैल्यू पुट की 7, तो x की वैल्यू भी कितनी आई 7। जब मैंने बेटा y की वैल्यू पुट की 6, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई 0। दो वैल्यू से काम चल जाता है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग सेकेंड इक्वेशन को ले लिया जी मैंने। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, ये रही, x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6, हाँ जी। अब बेटा पुट करना है मुझे, पुट करनी है y की वैल्यू, तो बेटा y की वैल्यू अब मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 3 × 0 + 6, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा फिर पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये रही बेटा इक्वेशन। तो x इज इक्वल्स टू 3y + 6, और y की वैल्यू बेटा कितनी 1, ठीक है। तो 3 × 1 = 3, 3 + 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं, तो भाई ये रहा बॉक्स x एंड y, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू, पहले बेटा y की वैल्यू मैंने पुट किया की 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। फिर बेटा मैंने y की वैल्यू क्या पुट की 1, और इसकी वैल्यू क्या आई 9, ठीक है भाई। ये नोट करो बेटा, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं ये बॉक्स अलग से बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे इन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो बेटा करते हैं अपना इसका ग्राफ प्लॉट। अब देखिए, तो ये मैंने पहली इक्वेशन का बनाया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 7.7, इसका कोऑर्डिनेट दूसरा क्या है 0.6, ठीक है भाई। और इसकी बात करें अगर हम, तो 6.0 और 9.0, बस हो गया काम बेटा। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 7.7, ये यहाँ कहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई 0.7, ये यहाँ कहीं है, ठीक है। तो ये रहा 7.7 और ये रहा 0.6, ठीक है भाई। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको पता है भाई, जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी इक्वेशन भी लिखनी होती है, ठीक है। तो मैंने तो रब कर दिया, तो मुझे तो याद भी नहीं है भाई कौन सी इक्वेशन थी। चलो यहाँ पे बेटा वो इक्वेशन लिख देना, ठीक है। अब देख लो इधर दूसरा बेटा, देख लो दूसरी इक्वेशन ये रही 6.0, तो बेटा 6.0 तो ये रहा, ठीक है। और ये क्या है बेटा 9.1, ये यहाँ कहीं, ठीक है भाई, ये यहाँ। तो बेटा इसकी लाइन जो है कुछ ऐसी चली जाएगी, और इसकी इक्वेशन आप यहाँ लिख देना और इसकी इक्वेशन आप यहाँ पे लिख देना। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके आप इक्वेशन देख लीजिए, मैंने यहाँ पे रब कर दी गलती से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन लिखो। अब एक चीज़ देखो बेटा, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देना 6.0 और ये है 9.1। अब बेटा देखो दोनों लाइंस कैसी आ गई हैं, पैरेलल आ गई हैं। और आपको पता है भाई, जो फादर और बेटी की एज का जो गैप है वो तो हमेशा कैसा चलेगा, पैरेलल ही चलेगा। तो इसीलिए बेटा ये जो ग्राफ बना है वो पैरेलल ही बना है, ठीक है। ये नोट करो, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 2। जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 bats and 6 balls for ₹3,900। लेटर शी बायस अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड for ₹1,300। Represent this situation algebraically and graphically। तो बेटा देखिए, मैंने let कर लिया cost of a bat be ₹x, whereas cost of a ball be y। अब बेटा जो पहला केस है, केस वन,
केस वन की अगर मैं बात करूं तो बेटा उन्होंने बाय किए हैं 3 bats and 6 balls, तो बेटा कॉस्ट ऑफ 3 bats and 6 balls उन्होंने खुद बोल दिया बेटा कितना 3900। ये तो रही बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन वो क्या कह रहे हैं, दूसरी बार उन्होंने एक बॉल बैट खरीदी है एंड 3 balls खरीदी हैं, और इस बार उन्हें कितने रुपए देने पड़े 1300। ये रही बेटा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा टेकिंग कोई सी भी आप इक्वेशन ले सकते हो, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन भाई क्या है ये फर्स्ट इक्वेशन देख लो इधर, 3x + 6y = 3900। अब बेटा देखो जरा सही से, 3 कॉमन है, तो अगर आप 3 कॉमन लो हमेशा पहले देखो कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। बेटा अगर आप कॉमन लेके करोगे तो वैल्यूज छोटी हो जाती हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3900 / 3, तो बेटा 3 1 3 and 3 3 9, आंसर आ गया बेटा कितना x + 2y = 1300। तो बेटा ये रही हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अरे बेटा ज़रा सही से देखो, हाँ जी नहीं अलग अलग है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। मुझे लगा दोनों वैल्यू सेम आ गई, सेम आ जाती तो फिर बेटा एग्जांपल वाला केस हो जाता है ना। अब देखो इधर, ये बेटा मैंने वैल्यू ले ली, ये बेटा प्लस में है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1300 - 2y, ठीक है। अब बेटा मैं क्या करूँगा, बॉक्स बना लूँगा जैसा कि आप लोगों को पता है, और दो वैल्यूज पुट करनी है आपको, ठीक है। अब देखो अगर आप जीरो पुट करोगे ना तो एक बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बेटा फिर x y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू आएगी 1300, तो ऐसी वैल्यू पुट मत करना, ठीक है। कोशिश ये करो कि ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिससे कि आंसर आसपास रहे। तो बेटा y की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूं, 600 पुट कर दूं, क्योंकि जब आप 600 पुट करोगे तो ये 1200 आ जाएगा, फिर आंसर कितना आएगा बेटा 100। या फिर बेटा आप ये कर सकते हो 500 पुट कर दो, तो बेटा 500 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा x = 13 - 2y, y की वैल्यू बेटा कितनी पुट कर रहा हूँ मैं 500, ठीक है। तो x = 1300 - 1000 करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 300, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा जब आपने y की वैल्यू पुट की 500 तो x की वैल्यू कितनी आई 300, बस यही चाह रहे थे हम, यही चाह रहे थे कि हमारी वैल्यू आसपास आए। अब बेटा मैं पुट कर रहा हूँ y = कितना 400 पुट करके देख लो बेटा इसमें, तो x = 1300 - 2y, और y की वैल्यू बेटा मैं कितनी पुट कर रहा हूँ 400, आंसर कितना आ जाएगा x = 1300 - 800, ठीक है। तो 13 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई 500, ठीक है भाई। तो जब आपने y की वैल्यू पुट की 400 तो x की वैल्यू कितनी आई 500, ये तो हो गया भाई हमारा इतना काम, ठीक है। अब बेटा मैं पुट कर रहा हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड सॉरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन भाई क्या है, ये वाली रही, तो x + 3y = 1300, ठीक है। अब ये प्लस में उधर लेकर जाओगे तो माइनस, क्लियर है। अब बेटा देखो इधर, अब पुट करोगे आप, इसके लिए पहले बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बनाओगे ठीक है। अब देखो इधर पुट करो आप y की वैल्यू कितनी, अब बेटा हंड्रेड्स में पुट करना है तो 300 पुट कर दें, चलो जी 300 पुट कर देते हैं। 300 पुट करोगे तो x = 1300 - 3 × 300, क्योंकि y की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 300, ठीक है। तो x = 1300 - 900, 13 में से बेटा 9 माइनस करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो बेटा जब आपने y की वैल्यू पुट की 300 तो x की वैल्यू कितनी आई 400, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा पुट करते हैं y = कितना, चलो 400 पुट कर दें इस बार, चलो 400 पुट कर लेते हैं भाई, 400 पुट कर दी, 400 बेटा पुट करोगे तो x = 1300
माइनस 3 × 400, ठीक है। तो बेटा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1300, और आगे कितना आएगा बेटा, 1200, क्योंकि 3/4 बेटा कितना होता है 12, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, y की वैल्यू पुट की थी 400 और x की वैल्यू कितनी आई है 100, ठीक है। तो स्पेस बेटा खत्म हो गया है, अब ये दोनों बॉक्सेस बना लेते हैं और इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर आपको ग्राफिकली भी समझाते हैं, प्लीज़ ये नोट कीजिए आप जब तक। तो बेटा देखिए, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रखे हैं और सेकंड के यहाँ पर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा सॉल्यूशन होते हैं x कॉमा वाई की फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300, 500 है पहला सॉल्यूशन, सॉरी हाँ 500। दूसरा सॉल्यूशन बेटा क्या है, 500, 400। और अगर इसके लिए आप देखें तो x कॉमा वाई की वैल्यू क्या है, पहले है बेटा 400, 300, और सेकेंड वाला क्या है बेटा 100, 400। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा देखिए, मैंने ग्राफ आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ था क्योंकि टाइम वेस्ट होता बनाने में। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू 100 के गैप में है, इसीलिए बेटा मैंने ग्राफ भी क्या किया, 100 का गैप लेकर बनाया है। अब बेटा देखो इधर, यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी देना कि 1 unit is equals to 100, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ देखो, अगर मैं वहाँ पे 0 पुट करता, 1 पुट करता, 2 पुट करता, तो मुझे 1, 2, 3, 4, 100, 600 तक जाना पड़ता। इसलिए बेटा बड़े ही केयरफुली आपको ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जहाँ पर वैल्यूज़ आस पास रहें, हालांकि वो आपका आंसर गलत नहीं होगा लेकिन ग्राफ प्लॉट करने में आपको ही दिक्कत होगी। तो बेटा पहला देखते हैं ज़रा, 300, 500, पहला तो रहा बेटा ये, ठीक है भाई। फिर है बेटा 500, 400, फिर 500, 400, ये रहा बेटा यहाँ का ही, ठीक है भाई, 500, 400। तो लाइन बेटा जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है, और इस लाइन का बेटा नामकरण भी तो करना पड़ेगा हमें। ये रहा इसका नाम क्या, 3x + 6y = 3900। अब बेटा बात करते हैं इस वाले की, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या भाई, 400, 300, तो ये यहाँ कहीं पर है, ठीक है भाई, 400, 300, ये यहाँ कहीं पर है, और ये वाला क्या है भाई, 100, 400, 100, 400। तो बेटा ऐसे, ठीक है, तो बेटा यहाँ कहीं जाके शायद मीट कर जाए। बेटा जब वो आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब बेटा इनके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था भाई, 300, 500। इसका कोऑर्डिनेट क्या था भाई, 500, 400। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 100, 400। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 400, 300। हाँ जी, अब बेटा देखो इस लाइन का बेटा इक्वेशन भी तो लिखनी होगी, इस लाइन की इक्वेशन मैंने मिटा दी गलती से, इक्वेशन बेटा आपकी मैं देख के लिख देता हूँ, एक सेकंड जो, यह है बेटा x + x + 3y + x + 1300 = 1300। तो बेटा जब आप ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ में तो ये जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होगा, और आप स्केल से रख के ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आपका सही ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये नोट कीजिए। और बेटा देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड विच इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक बार जल्दी से आप बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is this. Represent this situation algebraically and graphically. तो बेटा अभी जो हमने बैट और बॉल वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ बेटा बदल कर क्या कर दिया गया है, एप्पल एंड ग्रैप्स, ठीक है। तो बेटा पहले केस में उन्होंने क्या बोला है, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रैप्स, ठीक है। अच्छा तो बेटा कितना है,
एप्पल की कॉस्ट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो बेटा 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है भाई, 160, ठीक है। ये रही बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा इसके बाद देखो सेकंड केस में क्या है, 4 kg ऑफ एप्पल प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, इसका कितना हो जाएगा भाई, 300। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा देखो आपका मन करे जो भी इक्वेशन सॉल्व करने का आप वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा देखो जरा, जैसे कि मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, है ना, या फिर आप ये वाली सॉल्व करना चाहो, ये वाली, जैसा आपका मन करे। चलो पहले ये ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जब आप लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। ये प्लस में उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 160 माइनस 2x। अब बेटा देखो इधर, अब इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको क्या, बॉक्स, ठीक है, x एंड y। अब देखो वैसे तो देखो आप 0, 1, 2 कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ जिससे कि एग्जैक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। एग्जैक्ट कहने का क्या मतलब है, आसपास में, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू कितनी, मैं पुट कर रहा हूँ बेटा 50, ठीक है। 50 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू एक्स, और बेटा x की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 50, ठीक है भाई। अब देखो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100, इसका मतलब y की वैल्यू 60। तो बेटा जब आपने x की वैल्यू पुट की 50, y की वैल्यू क्या आई, 60। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अब बेटा पुट कर रहा हूं मैं x की वैल्यू कितनी, चलो इस बार मैं 60 पुट कर देता हूं, 60, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा भाई, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी पुट की है मैंने, 60। तो अब देखो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 120, ठीक है, क्योंकि 6 × 2 = कितना होता है, 12। माइनस करोगे तो y इज इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार बेटा x की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है, 60, और y की वैल्यू कितनी आई है, 40। इतनी बात समझ में आ गई भाई, 600 कहाँ से आ गया भाई, 60 आएगा, ठीक है। अब देखो इधर नेक्स्ट, अब बेटा मैं ले रहा हूँ ये वाली इक्वेशन, टेकिंग सेकेंड इक्वेशन। भाई सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो बेटा कॉमन लोगे आप, जब आप कॉमन लोगे तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 300। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ पर आ गया 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। अब ये क्या है बेटा, प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 150 माइनस 2x, ये आ गई इक्वेशन। अब बेटा इसके लिए मैं बनाऊंगा क्या, बॉक्स। अब देखो फिर से वही केस, अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा भाई, पुट कर लिया मैंने x की वैल्यू कितनी, मैं फिर से 50 ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप 50 पुट करोगे देखो 150 माइनस 2x और x की वैल्यू कितनी, 50। तो बेटा 150 माइनस 100 y की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, 50। तो जब आपने x की वैल्यू 50 पुट की, y की वैल्यू भी कितनी आई बेटा, 50। अब मैं पुट करूँगा x इज इक्वल्स टू 40, 40 पुट करके देख लेते हैं। तो बेटा इक्वेशन तो ये है, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x और x की वैल्यू कितनी है, 40। तो y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू x, x की वैल्यू कितनी, 40। तो y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 80, तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 70, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो x की वैल्यू मैंने कितनी पुट की थी, 40, और y की वैल्यू कितनी आई, 70। यहां पे y की वैल्यू कितनी आई थी, 50, ठीक है भाई।
तो इस तरीके से बेटा आप वैल्यूज निकालेंगे, और अब आप ये पॉज कीजिए, मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जब तक। तो बेटा देखते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू बेटा कितनी 50 और वाई की वैल्यू कितनी 50 एक्स की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पर 40 और वाई की वैल्यू कितनी 70। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स कॉमा वाई, अब देखिए बेटा एक्स की वैल्यू कितनी 50 और वाई की वैल्यू 60, एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 60 और वाई की वैल्यू कितनी 40। अब बेटा आपको क्या करना है, इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। बेटा मैंने किया क्या है, ये देखो ये तो रही इसकी वैल्यू जो ऑलरेडी लिखी हुई थी, और इसकी वैल्यूज ये रही, तो इनको प्लॉट करना है बेटा। 50, 50 ये कुछ यहाँ कहीं पर रहेगी, और 40, 70 तो ये कुछ यहाँ कहीं पर रहेगी। ठीक है भाई, तो ये तो चला जाएगा कुछ ग्राफ ऐसा, क्या 40, 70 एंड दिस इज वॉट, ये तो 50, 50 है। ठीक है भाई, अब आ जाओ इस पर, इसके भाई इक्वेशन का नाम भी तो लिखना पड़ेगा। ये वाली बेटा कौन सी इक्वेशन है, ये रही कौन सी, 4x + 2y + 300। ठीक है, अब बेटा दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरे का क्या है, 50, 60 and 60, 40 तो ये तो बेटा कुछ यहाँ कहीं रहेगा, 50, 60 ये यहाँ कहीं। ठीक है भाई, और दूसरा क्या है भाई, 60, 40 तो ये यहाँ कहीं है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप इधर लिख लीजिए फिर, 50, 50 40, 70 ठीक है भाई। अब ये कितना है 50, 60 और ये कितना है 60, 40 तो मतलब बेटा कुछ ऐसी लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, परफेक्टली तो बेटा जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तभी बनेगी। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन ये रही 2x + y = 60। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, इजी से क्वेश्चंस होते हैं अगर आप सही से करेंगे तो। और अगर बेटा आपको ये समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।